हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड पेपर का, राइट, लेटेस्ट बोर्ड पेपर का है। और फर्स्ट एंट्री उन लोगों ने घुमा के दे दिया और उसमें एक वर्ड बोल दिया फाइनल कॉल, और बच्चे लोग उधर भी घूम जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे लोग ने इस समय मिस्टेक किया रहेगा, क्योंकि ना इधर एक वर्ड दिया है बाय दिया है। तो जब बाय दिया रहता है ना, तो फिर कैपिटल डिक्शन में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, राइट। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम अच्छे से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल डिक्शन का बेसिक रूल क्या है, फ़ायदा हुआ तो कैपिटल डिक्शन किधर रहेगा, नीचे। लॉस हुआ तो कैपिटल डिक्शन किधर रहेगा, ऊपर आएगा। तो अभी वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना हमारे पास, तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने का है, 10 रुपये का है और 4 लाख के। और उन्होंने क्या किया, रिड्यूस बाय 4 बोला है। क्या बोला, रिड्यूस बाय 4। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर प्रेफरेंस शेयर 10 का है, राइट, अगर रिड्यूस टू, मान लो अगर रिड्यूस बाय है, बाय की जगह अगर 2 होता है, सपोज रिड्यूस टू 4, तो हम लोग 4 रुपीज़ यहाँ लिखते और 10 में से 4 जाता तो 6 रुपये हमारा कैपिटल रिडक्शन होता है। 6 रुपये क्या होता, कैपिटल रिडक्शन। पर हमारे क्वेश्चन में 2 नहीं बोला है, 2 बोला, क्या बोला है, बाय बोला है। तो 10 का शेयर है और इधर क्या बोला है, रिड्यूस बाय 4। तो जो बाय आ जाएगा, समझ जाओ कैपिटल रिडक्शन है, मतलब 10 का शेयर को 6 रुपया बना दिया और 4 रुपया कैपिटल रिडक्शन। 4 रुपया क्या हो गया, मतलब जो बाय है वो कैपिटल रिडक्शन है। सेम इक्विटी शेयर क्या बोला, रेड्यूस बाय 6। क्या बोला, मतलब जो 10 का शेयर से उसको डायरेक्ट 6 रुपया कम कर दिया, 6 रुपये कम, मतलब 10 को 4 बनाया, 6 रुपया फायदा हो गया। तो ये क्या है, समझा आपको, जब भी बाय आएगा ना, बाय वो आपका कैपिटल रिडक्शन देगा, क्या रहेगा। तो अभी फर्स्ट एंट्री कैसे पास करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, 8% प्रेफरेंस शेयर्स। तो कभी भी पहले लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, राइट, 8%, 8% प्रेफरेंस शेयर लिख दिया तुमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। तो जो 8% है उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट किया मालूम है क्या, कुछ परसेंट दिया है क्या, कुछ नहीं बोला है। तो 8% को 80% लिखा मैंने, 8% को 8% प्रेफरेंस शेयर्स बना दिया, और अपना यहाँ फ़ायदा हो रहा है ना, तो कैपिटल रिडक्शन किधर आ जाएगा, नीचे आएगा, बींग प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस। नरेशन भी तुम लोग लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं दिया, देखो तो एक शेयर 10 रुपये का, एक शेयर कितने का है, 10। तो 10 छुपा देंगे, यू विल बी गेटिंग 40,000 शेयर्स। कितना शेयर हो जाएगा, तो 40,000 शेयर्स है, ओके। कितने शेयर से, 40,000 शेयर से। तो एक शेयर 10 का था तो 4 लाख देने का था। तो अब वापस से बता रहा हूँ, रिड्यूस बाय 4, बाय बोला ना, डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन में 4 रुपये डाल दो, तो 4 4 था 16 हो जाएगा। तो 10 को 4 रुपया बन, 4 कम कर दिया तो 6 बना दिया ना। तो 10 में से 10 का 6 हो गया, 4 फायदा हो गया, तो 4 6 24, तो कैपिटल रिडक्शन में 1,60,000 आ जाएगा। तो स्टूडेंट लोग गलत कर दिए रहेंगे, 1,60,000 2,40,000 नीचे। तो बाय बोला मतलब कैपिटल रिडक्शन, बाय बोला तो एक एंट्री ये सॉल्व हो गई। और उसके आगे एंड के बाद क्या बोला है, फाइनल कॉल वॉज मेड इमिडिएटली टू मेक इट फुल्ली ऑफ 10। मतलब जो 1,60,000 का शेयर हो गया ना, सॉरी, जो 2,40,000 का शेयर हो गया ना, कंपनी ने उसका क्या किया, कॉल किया, क्या किया है, कॉल किया है। कॉल मतलब क्या है, उन लोगों का अमाउंट मंगाया, राइट। तो जो 2,40,000 है, कंपनी उसका कॉल कर रही है, मतलब 10 को 6 कम कर दिया तो 4 फायदा हो गया, राइट। तो बैलेंस जो रहता है ना कैपिटल रिडक्शन, मतलब जो बैलेंस हुआ है, कंपनी उसका कॉल कर रही है, तो कॉल का आपको 2 एंट्री याद करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कॉल, तो कॉल का पैसा किस में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। फिर पैसा आ रहा है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसका पैसा आ रहा है, कॉल का पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है, कॉल का, प्रेफरेंस शेयर कॉल। और इधर एक वर्ड डाल देंगे फाइनल कॉल, क्या वर्ड डाल देंगे, फाइनल कॉल। तो ये एंट्री ना आपको बायबैक में भी आएगा, जो 4 एंट्री पास करते हैं तो 2 एंट्री कंपनी क्या करेगी, जो पार्टली पेड है उसका कॉल करेगी, तो उधर इक्विटी रहेगा, क्या रहेगा उधर। तो फिर इधर कैसे लिखेंगे, इक्विटी फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर पैसा आ रहा है इक्विटी फाइनल कॉल का, पैसा आ रहा है इक्विटी फाइनल कॉल। बट अभी हम लोग किसके बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ना, तो कॉल का पैसा आया तो किधर ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में, और पैसा किसका आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर कॉल का। तो ये कॉल ऊपर डेबिट में रहेगा और एक नीचे रहेगा, और पैसा कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, शेयर कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल, और अमाउंट आ रहा है। तो इसमें कौन सा अमाउंट लेने का, कैपिटल रिडक्शन का, जो बैलेंस कम कर दिया ना कंपनी उससे पैसा मंगा रही है। तो 1,60,000 ने कंपनी ने ट्रांसफ़र किया और वो अमाउंट क्या किया, कंपनी ने रिसीव किया। ये 2 एंट्री तुम्हारी क्या हो गई, न्यू आ गई। ये कौन सी एंट्री, 2 एंट्री तुम्हारी नहीं होगी। तो ये कब एंट्री पास करना है, जब क्या बोला रहेगा, कॉल बोला रहेगा। फिर उसके बाद कंपनी ने क्या चेंज किया मालूम है क्या, इक्विटी शेयर्स रिड्यूस बाय 6 बोला है, रिड्यूस बाय। तो इक्विटी शेयर की एंट्री कैसे पास करेंगे आप लोग,
तो पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और टू लिखेंगे इक्विटी शेयर को किस में कन्वर्ट किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में, किस में कन्वर्ट किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, और इधर हमारा फायदा हो रहा है तो इसके लिए क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन, क्या आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। अभी अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे, 5 लाख अमाउंट है और एक शेयर कितने का, 10 का है, तो एक जीरो छुपा देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिलेगा, 50,000 शेयर्स, तो इधर लिखेंगे 50,000 शेयर्स, एक शेयर 10 का था, मतलब 5 लाख का हिसाब था, राइट। अब 5 लाख को लोगों ने क्या कर दिया मालूम है, रिड्यूस बाय 6, क्या बोला है, रिड्यूस बाय 6, तो बाय बोला है ना, बाय वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, किधर आ जाएगा, तो 10 को 4 बना दिया, 6 फायदा हो गया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख, बींग इक्विटी शेयर रिड्यूस, क्या लिख देंगे, बींग इक्विटी शेयर रिड्यूस, तो ऐसा सम हो गया। फिर उसके बाद तो डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो, फॉरगो मतलब वे मतलब माफ किया देयर क्लेम बाय 20%, 20% माफ किया बोला, एंड टू एक्सेप्ट 8% प्रेफरेंस शेयर, बोला मुझे प्रेफरेंस शेयर दो, बाकी 10 ईच फॉर रिमेनिंग। तो अभी कैसे है, डिबेंचर्स कितना मालूम है, 2.5 लाख, तो पहले कैसे एंट्री पास करेंगे, ये ओल्ड होता है ये न्यू होता है, ओल्ड को डेबिट करो न्यू को क्रेडिट करो, तो 7% डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे ऐसा, 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ओके। तो वो क्या किया, 20% माफ किया, तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि वो रिड्यूस कर दिया ना कर्जा अपना, और बोला और क्या बोला, एंड टू एक्सेप्ट ले रहा है वो प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर दे रहे उसको, तो रीड करने से ही एंट्री तुम्हारा बन जाता है, राइट। तो जिसके बारे में बात किया उसको डेबिट में लिखा, उसने क्या किया, माफ़ किया और कुछ लिया, तो अभी कैसे लिखने का अमाउंट क्या करेंगे, आ जाओ, तो डिबेंचर्स का अमाउंट है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख कर्जा है, बोरिंग है अपने पास, तो 2.5 लाख में से उसने 20% माफ़ किया है ना, 20% फॉरगो, तो 50,000 माफ़ किया, तो माफ़ किया तो कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा ना, और रिमेनिंग क्या लिया उसने, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, तो रिमेनिंग बोला तो 2 लाख का उसने क्या लिया, प्रेफरेंस शेयर्स लिया, तो 2.5 लाख देने का था, हमने उसको 2 लाख दिया, 2 लाख कैसे, कैश नहीं दिया ना, बैंक प्रेफरेंस शेयर दिया, बाकी का 50,000 माफ, सेटल हो गया ना ये। तो देखो सेंटेंस पढ़ दो, डिबेंचर होल्डर फॉरगो देयर क्लेम बाय 20%, ठीक है, बाय बोला डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन, एंड टू एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर लिया 10 रुपये का ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है मालूम है, अब बोला है कंटिजेंट लाइबिलिटी वॉज सेटल्ड एट 5,000, तो टेबल में देखो लाइबिलिटी कितना था, 10,000 लाइबिलिटी थी ना, और सेटल्ड कितना गया, सेटल्ड मतलब पेड होता है, कुछ दिया उसको, तो पहले कंटिजेंट लाइबिलिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंटिजेंट लाइबिलिटी कितना देने का था, 10,000, कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब जो कर्जा फ्यूचर में हो सकता है, तो उसको क्या क्या कंपनी ने पे किया, सेटल मतलब क्या किया, पे किया तो पैसा गया ना टू बैंक, क्या लिखेंगे, और पूरा पे नहीं किया तो फायदा हो रहा है इधर, इसके लिए कैपिटल रिडक्शन आएगा। तो अभी कैपिटल रिडक्शन कैसे आया समझाता हूँ, हमें कर्जा देना था 10,000 और हमने सेटल कितने में गया, 5,000, मतलब उसको 5,000 दिया और 5,000 अपना फ़ायदा हो गया, 5,000 क्या हो गया अपना फ़ायदा, देना था 10 दिया 5, तो दिया सेटल मतलब पेड होता है, इसलिए टू बैंक लिखा, पैसा गया ना और फ़ायदा हो गया, इसलिए कैपिटल रिडक्शन नीचे आ गया, तो इस तरह कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या हो गई तुम्हारी, सेटल हो गई। फिर उसके बाद क्या बोला है, अभी अलग ही न्यू एंट्री है, देखो ना, इन्वेस्टमेंट बेचा 50,000 का, सोल्ड किया 50,000 का बेचा, तो चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट कितने का था, 60, इन्वेस्टमेंट कितने का था, और बेच के कितना पैसा है, 50। तो अभी हम लोग कुछ भी चीज़ बेचेंगे ना तो हमारे पास पैसा आता है, सिंपल। अभी आप लोग लैपटॉप बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा ना, तो पैसा आ रहा तो डेबिट किया, और लैपटॉप गया तो इधर लैपटॉप नहीं बेचा, इधर क्या बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा। तो अभी चेक करेंगे फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट था 60,000 का, इन्वेस्टमेंट कितने का था, और बेचा 50 में, तो लॉस हुआ ना, तो कैपिटल रिडक्शन ऊपर आएगा, कैपिटल रिडक्शन क्या आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि लॉस हो गया ना हमारा, ऐसा मतलब इन्वेस्टमेंट 60,000 का था और बेचा 50,000 में, तो 10,000 अपना क्या हो गया, लॉस, बींग इन्वेस्टमेंट सोल्ड है ना एट अ लॉस ऑफ 10,000। देखो ना, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 60 थी, सोल्ड फॉर 50, तो 10,000 का लॉस, तो लॉस मैंने क्या वाला डेबिट करने का ना, 60,000 का चीज़ गई आया 50 ही, 10,000 क्या गया, लॉस हो गया। तो दो बार भी रीड करेगा तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट के बाद क्या बोला है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर वॉज सेटल एट 50%, तो जो डायरेक्टर लोन है देखो टेबल में 30,000 है ना, ये लाइबिलिटी है, तो हमेशा लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, तो इधर लिखा डायरेक्टर लोन, क्या लिखेंगे इधर, डायरेक्टर लोन,
तो डायरेक्टर को कितना लोन देने का था मालूम है क्या? डायरेक्टर को लोन देने का था 30,000, 30 देने का था। फिर इधर क्या हो गया उसके साथ मालूम है, उधर बोला 50% सेटल किया। तो सेटल का मतलब मैंने क्या बोला, क्या क्या उन्हें पे किया, तो 50% पे किया मतलब बैंक पैसा गया, और मतलब 50% ही दिया ना, तो बाकी का 50% सेटल मतलब ख़त्म, भूल जाओ, तो बाकी का माफ़ हो गया। तो 50% सेटल किया, तो 30,000 का 50% 15,000 दिया, और 15,000 माफ़ हो गया, अपना क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना। फिर उसके बाद डायरेक्टर लोन सेटल होने के बाद नेक्स्ट क्या दिया मालूम, इधर अभी नेक्स्ट दिया है टेंजिबल फिक्स एसेट वैल्यू री वैल्यू, वैल्यू चेंज हो गई है। बिल्डिंग इक्विपमेंट्स दो वैल्यू बोलिए, तो बिल्डिंग देखो 3 लाख था, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी की 3,20,000, तो फ़ायदा हो गया। और इक्विपमेंट्स कितना था, 1,30,000 था, और 1,20,000 हो गया। तो एक में फ़ायदा हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है। तो जब फ़ायदा होएगा तो कैपिटल डिडक्शन नीचे आ जाएगा, और किस में फ़ायदा हुआ अपना मालूम है, बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, राइट। तो कितना फ़ायदा हुआ बिल्डिंग का मालूम है, 3 लाख था, और कितना हो गया बिल्डिंग, 3,20,000, 20,000 प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट हो गया। और इक्विपमेंट में लॉस हो ना, तो कैपिटल रिडक्शन ऊपर आ जाएगा, और लॉस हो गया इसके लिए इक्विपमेंट्स किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना इक्विपमेंट में लॉस हुआ मालूम है, 1,30,000 से 1,20,000 हो गया, मतलब एसेट्स कम हो गया, तो 10,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक्यूमेटेड लॉसेज एंड इंटेंजिबल एसेट टू बी रिटर्न ऑफ, ये फिक्स एंट्री आएगा। तो एक्यूमेटेड लॉसेज तुम्हारा गुडविल होता है, क्या होता है, सॉरी गुडविल को इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल आता है, कॉपी राइट्स आता है, पैटर्न आता है, ट्रेडमार्क आता है, ये आएगा उसको बता देना है एक वो। और लास्ट का आइटम पढ़ो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, हैज टू बी रिटर्न ऑफ। जब ये चीज़ बैलेंस शीट से जाएगी तो बैलेंस शीट खत्म होएगा, तो मतलब एक तरफ से एसेट्स जा रहा तो लॉस हो गया, गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। और फिक्टिश एसेट में क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो गुडविल कितना है, 1,50,000, 1,50,000 है, और ये 3,15,000 है ना, तो कितना हो जाएगा, 4,65,000 है ना, तो इतना क्या गया, हट गया सब चीज़। फिर एक एंट्री हिडन एंट्री आपको याद करना पड़ेगा, तो ईयर एंड में कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट, किस में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, नहीं भाई कैपिटल रिजर्व, किधर ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री कैलसी में पास करना पड़ेगा तुमको, तो एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट वाला प्लस करना पड़ेगा और डेबिट वाला माइनस करना पड़ेगा। तो पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ क्रेडिट है डेबिट करेंगे, डेबिट वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कैपिटल डिडक्शन देखो, इधर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में फ़ायदा हुआ वो ऐड करेंगे, ये दोनों एंट्री में कैपिटल डिडक्शन नहीं है, तो इधर वाला नहीं देखने का है। तो इधर इक्विटी शेयर में रिड्यूस किया था, तो 3,00,000 क्या हो गया तुम्हारा, फ़ायदा वो ऐड करेंगे। फिर डिबेंचर्स में कम हुआ था, तो 50,000 ऐड करेंगे। फिर लाइबिलिटीज़ को सेटल किया था, तो 5,000 फ़ायदा हुआ। फिर इन्वेस्टमेंट बेचा तो 10,000 लॉस हुआ, तो ये डेबिट है, तो डेबिट वाला माइनस है, तो माइनस दबाएंगे आप 10,000। फिर इसके बाद डायरेक्टर लोन सेटल किया, तो 15,000 फ़ायदा हुआ, तो क्रेडिट है तो प्लस होएगा। फिर बिल्डिंग में फ़ायदा हुआ 20,000, तो 20,000 ऐड करो। फिर इसके बाद इक्विपमेंट्स में लॉस हुआ, तो 10,000 माइनस करेंगे, और 4,65,000 डेबिट है ना, रिटर्न ऑफ किया था। इस तरह तुम्हारा बैलेंस अमाउंट जो भी आएगा वो कैपिटल डिडक्शन से कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में, किधर ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। तो ये एंट्री वाला सम था तुम्हारे लिए, वो बोर्ड पेपर का ही सम था, आकांक्षा लिमिटेड करके था, 20 मार्क का सम है, आधा सम इधर आधा पीछे था, राइट।